प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कटिहार के सहासक थाना क्षेत्र के बरमसिया मोहल्ले का है, जहां देर रात अपराधियों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि युवक का स्थानीय लोगों से पैसे को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दबंगों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि एक ही गोली युवक के कंधे पर लगी है, जिससे युवक बाल बाल बच गया। प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका कहीं कोई लेना देना इसमें नहीं है। वो क्यों इसमें इंटर आए, क्यों ऐसे किए, ये मेरे भी हम प्रशासन को भी बोले, पहले पूछिए तो सही कि उनका क्या मामला है। कौन थे ये सब? नाम तो हम दे दिए हैं और सारा लोगों का नाम है। कितने लोग थे, कौन थे, कुछ मेरे नजदीक 6-7 सटे और बाकी 3 मोटरसाइकिल से इधर आगे थे, 3 मोटरसाइकिल से पीछे थे। कौन थे आपसे, क्या आपसे क्या विवाद? हमसे कोई विवाद नहीं है। एक उनसे भी कोई बता दे कि उनसे हमारा कोई विवाद है। कौन है? मुकेश यादव है, छोटू मंडल है, डेरिया का। अभी नाम हम सबको पहचान है नाम, अभी उज्जवल झा दुर्गा स्थान बाहर का रहने वाले, उज्जवल झा, छोटू मंडल, राहुल यादव, मुकेश यादव, आशू है, आशू का पूरा नाम आशू है, सुसु है, दोनों भाई है, सूरज पासवान है लाल कोठी का, सबको पहचान है। कितने लोग थे टोटल? 13-14 लोग थे। आपसे कुछ कुछ किसी बात को लेकर विवाद? हमसे मतलब उन लोगों का किसी और से विवाद है, किसी और का, वो लोग वहाँ कहीं नहीं है। तो आपसे फिर विवाद क्यों हुआ? हम सिर्फ बातचीत के क्रम में बोले कि जो भी बात है बैठ के बात कर लो, बस यही बात है। मैंने आप मैंने समझौता कर, हाँ, मध्यस्था में लगे हुए, हाँ, और कोई बात नहीं है हमसे किसी प्रकार का, उन लोगों का कोई भी बात नहीं। उन लोगों का मूड था उसका, उसके बाद हम तुरंत प्रशासन को खबर किए, प्रशासन त्वरित कार्रवाई पे तुरंत शुरू हो गई, बोले कि आप। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी हरिमोहन शुक्ला मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया और मामले की जांच में जुट गए। ये एक कल शाम को कुछ लोगों में पैसे को लेन देन को लेकर के कुछ आपसी झंझट हुआ था, तो तुम्हें में हुई थी, उसी बात को लेकर कुछ लोगों ने, एक उत्तम जी हैं, उनको बुलाया बाहर, जब वो घर के बाहर टहल रहे थे उसी समय उनको घेर कर उनको जान मारने का प्रयास किया है, लेकिन गोली उनके कंधे से लगी और सुरक्षित हैं, कोई उनको ऐसी खतरे की बात नहीं है। हम लोग उसमें छापामारी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो जाएगी, आप इसको विश्वास रखें, और जो भी इस घटना में शामिल हैं अपराधकर्मी, उनकी गिरफ्तारी अच्छे से होगी, कार्रवाई होगी। नामजद अपराधी क्या? जी हाँ, उन्होंने नामजद अपराधी जैसा बताया हमने आपको कि पहले तूतुमय हुई थी और वो लोग दूसरे को जान रहे थे, तो सब एक दूसरे को पहचानते हैं और नामजद अपराधी। कितना गोली चला है? गोली तो लगभग 7-8 गोली चली है, खोखा बरामद हुआ है, गोली चली है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित युवक की तहरीर पर नामजद युवकों पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।